अल्लाह दियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट डयर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड स्ल्स लैंड स्ल्स क्या होते हैं आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं लैंड स्लड्स आर सिंपली डिफाइनड एज द मास मोमेंट ऑफ रॉक द ऑफ अर्थ डाउन ए स्लो दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन कंजक्शन अर्थ क्विक फ्लड्स एंड वॉल्किनोज़ प्यारे बच्चों बड़े बड़े पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरने लग जाते हैं उसे हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं या फिर हम बड़े बड़े चट्टान और मिट्टी के तूदे नीचे गिरने से ये नीचे खिसक खिसकने लगते हैं उसे हम लैंडस्लाइड्स भी कहते हैं ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंड स्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फ्राम क्वाइट टाइम Uh, बच्चों लंबी मुद्दत तक तेज़ बारिश की वजह से हैवी स्लाइड्स uh, हैवी लैंड स्लाइड्स के गिरने का सबब बन सकता है जो कुछ वक्त के लिए दरिया के फ्लो यानी बहाव को रोक सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टी बच्चों अगर किसी वजह से पानी का फ्लो यानी बहाव हट जाता है मगर इससे क्या होता है ये जो पानी का दबाव होता है इससे वहाँ की जो आबादी होती है उसको तहस नहस कर देती है इन द इन दिल्ली ट्रेन लैंड स्लाइडस हैव बीन अ अजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न बचो पहाड़ी इलाकों में बचो अक्सर ये uh, अक्सर ये चट्टाने अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चट्टान खिसकने से खिसने के खिसकने के हादसे जो है वो होते रहते हैं इस कुदरती हादसे से हादसे की वजह से जान व माल का काफ़ी नुकसान होता है जो एक तशीश जो एक तशीश तशवीश का बाइस है एक केस स्टडी यहाँ पर जो है एक केस दिया गया है इसको हम स्टडी करेंगे a केस स्टडी a मैसिव landslide hit हिट uh, पांझी विलेज नियर रिकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डेमेज ए 200 हंड्रेड मीटर स्ट्रैच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाई वे ट्वेंटी टू में चट्टान खिसकने से एक बहुत बड़ा हादसा होता है ये गांव हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले किन्नौर का एक गांव है uh, जो जो रिकोंग पीओ के करीब पड़ा पड़ता है इस हादसे से हिंदुस्तान टिब्बट नेशनल हाईवे नंबर ट्वेंटी टू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और सड़क का 200 मीटर का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया द लैंड स्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पानजी वलेज और ये जो पांजी विलेज पांजी विलेज में इस तरह पेश आया हादसा पांजी विलेज में इस तरह पेश आया वहाँ जब यह हादसा होता था मानो कि जैसे हुआ था मानो कि जैसे एक बहुत ख़तरनाक धमाका हुआ हो ब्लास्टिंग दिस जोन ऑफ स्लोप क्लेप्सड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विज जब यह लैंडस्लाइड हुआ इन खोफनाक धमाकों की वजह से ऊपरी इलाक़ों के चट्टान नीचे आ गए आसपास के इलाके हिल गए हिल गए थे रोड टूट गए और गांव भी बुरी तरह से मुतासिर आ, मुतासिर हुए द पांजी विलेज वाज कम्प्लीटली वकेट टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ और इस खोप की वजह से पांची गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया गया ताकि लोगों के जान माल की हिफाजत हो सके मिटिगेशन uh, मेकनिज़म यानी कि एहतियाती तदाबीर कौन से एहतियाती तदाबीर हम करें जिससे कि हम इन हादसों से बच सकें एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स टेक्निकज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड वट फैक्टर्स काज लैंड स्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज दम सम्रॉड मिटिगे टेक्निक्लाइडस आर एज़ फॉलोज Uh, साइनसी तरक्की की वजह से अब हमें ये पता चल गया कि चट्टान खिसने के हादसे किन बुनियादों पर होते हैं और इन हादसों को किस तरह काबू में किया जा सके कुछ मेडिकेशंस uh, कुछ मेडिकेशंस यानी तदाबीर यहाँ दी गई है हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रंडस्ल सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स बच्चों इन इलाकों की निशानदेही जहाँ लैंड स्लाइड्स यानि चट्टान और मिट्टी के तूदे गिरने के इमकान होते हैं इन इलाकों के नक्शे बनाए जाए ताकि ये जो इलाके हैं इन इलाकों में जो लोग हैं उन्हें वहाँ रहने के लिए इमारतें न बनाई दी जाए कि जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं कि वहाँ इन इलाकों में इन लोगों से इन लोगों को रोका जाए ताकि वो वहाँ पे मकान वगैरह या इमारतें खड़ा ना कर सके अच्छा दूसरी बात जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग ज़मीन को खिसकने से या पहाड़ से पत्थर नीचे आने से रिटेंशन uh, वॉल बनाए जाए ताकि ऊपर से मिट्टी uh, uh, या uh, पत्थर को रोका जा सके कि ऐसे वाल बना जे आपने देखा भी होगा यहाँ पर ये एक, uh, uh, एक डायग्राम फिगर दिया गया है कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके नीचे से हम ये जो रिटेंशन वाल लगाते हैं ताकि जो ऊपर से पत्थर या आ, मिट्टी आ जाए वो आ, वो रुक सके वो आ, ताकि ये रोड्स या कुछ और ये ब्लॉक ना हो सके इसके लिए जो है इसके लिए ये रिटेंशन वॉल्स बनाए जाते हैं द सरफेस ड्रेनेज इंक्रीज इन दजटेशन कवर टू अरेस्ट लैंड और जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे उगाएंगे उससे इन हादसों से महफूज रहा जा सकता है जैसे कि बार बार कहते हैं कि जो ऐसे इलाके जहाँ सॉइल इरोजन होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि ये जो पेड़ के जो रूट्स है वो मिट्टी को इरोड होने से बचा बचाते हैं इससे बहुत हेल्प मिलती है इसीलिए वेजिटेशन का इन लॉकों में होना बहुत ज़रूरी है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्कस टू कंट्रोल द मोमेंट ऑफ लैंड स्लाइड एलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज अच्छा जी बरसात और चश्मों यानी स्प्रिंग से उन आने वा उन आने वाला पानी है को इस तरह से ड्रेन किया जाए ताकि यह पानी इन इलाकों में जमाना रहा जमाना रह सके जहां से लैंड स्लाइड्स का ख़तरा पड़ जाए यानी पानी को निकालने का अच्छा इंतज़ाम करने से चटानों को खिसकने से रोका जा सकता उम्मीद है कि आपको ये लैंड स्लाइड्स के बारे में आ, आ, लैंड के बारे में आपको पता चला कि लैंड स्लाइड्स क्या होता है वही कैसे होते हैं तो शुक्रिया आ, शुक्रिया इन कल हम दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन व